अभी भाई फुल अंधेरा हो गया यार, लाहौर में इतनी शदीद वाली गर्मी है ना, हमारी आ गई है जी। चलेगी घर वापस, इसका सिर्फ इंजन वॉश है, बॉडी वॉश हम खुद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे रश इस टाइम बहुत ज्यादा। खोल दो सिग्नल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। मैं मौजूद हूँ अपने गांव में और आज हम वापस जा रहे हैं लाहौर वापस अपनी जॉब पे। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए गांव आए हुए और पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया, 12 से 13 दिन। तो आज वापस चलते हैं, गांव में से ही बस निकलेगी तो उस बस को पकड़ेंगे। सीट की बुकिंग जाना वो मैंने पहले से करवा दी है, तो अल्लाह का नाम लेके चलते हैं आज लाहौर की तरफ। ओए होए, घर से बाहर निकल के पता चला कि कितनी शदीद किस्म वाली गर्मी है। अभी सामने की तरफ स्टॉप है, वहाँ पे 5 मिनट खड़ा होना पड़ेगा। बस का अभी हॉर्न वगैरह तो नहीं मुझे सुनाई दे रहा। स्टॉप पे भी मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ पे वेट करेंगे, इस तरफ से आएगी बस। हमारी आ गई है जी। अभी फाइनली मैं अपने रूम में वापस आ गया हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है, हमारी तरफ जो ट्रांसपोर्ट चलती है ना बहुत ज़्यादा जलील करती है। 3 घंटे का सफ़र और 4 से 4.5 घंटे में मैं पहुँचा हूँ इधर। खैर अभी थोड़ी रेस्ट की है, आके खाना वाना खाया है तो अभी थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है। सो मेरे जाने के बाद गाड़ी की हालत देखें कैसी हो गई है, मुझे लगता है बिल्कुल भी ड्राइव नहीं की किसी ने। तो फ़िलहाल मैं फ्री हूँ तो हम ऐसे करते हैं इसको सर्विस करवाने के लिए लेके चलते हैं पेट्रोल पम्प पर। तो गाड़ी मैंने निकाल ली है बाहर और बहुत से भी बहुत वाली गंदी हुई है, अंदर भी हालत देखें कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है। तो इसको सर्विस करवाते हैं अच्छे से, फिर जाके इसकी कंडीशन ठीक होगी। बहुत ज़्यादा स्मेल आ गई गाड़ी के कैबिन से। सीट बेल्ट लगा लेता हूँ जल्दी से, ये गांव नहीं है, यहाँ पे फ़ौरन चलान हो जाएगा। और इसमें ही पेट्रोल स्टेशन है, वहाँ पे चलते हैं, वो गाड़ी को सर्विस करवा लेता हूँ मैं। सामने विंडशील्ड भी बहुत ज़्यादा गंदी है, अभी मैंने वाइपर चलाया तो वो सारे दाग लग जाएंगे। संडे है ना आज, तो रश जो है ना वो शदीद वाला है। तो गाड़ी का मैंने इंजन वॉश करवा लिया है, बॉडी वॉश का भी सोच रहा हूँ कि करवाऊँ कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है इस टाइम। बड़ी वाली गाड़ी हमारी लगी हुई है वॉश पे, वो वॉश हो रही है। होए, इसकी लुक निकलेगी आज अच्छी वाली, जो थी ना अच्छी वाली। करोला तो चलेगी घर वापस, इसका सिर्फ इंजन वॉश है, बॉडी वॉश हम खुद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर रश इस टाइम बहुत ज़्यादा है। और एक किया हमारी जो है वो अभी रेडी हो जाएगी 10 मिनट में। बहुत ज़्यादा गंदा ड्राइवर एकदम ज़बरदस्त हो गया। फिल्टर और कैबिन फिल्टर मैंने निकलवा लिया है, काफ़ी गंदे हैं, इनको भी साफ़ करवा लेते हैं। लेन जी, गाड़ी हमारी रेडी हो गई है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, अब चलेंगे घर और गाड़ी सर्विस करवाते करवाते। 7:45 का टाइम हो गया। गाँव से वापस आके पहले दिन ही गाड़ियों की सेटिंग मैटिंग होगी, ये अच्छी बात हुई। ये वाली गाड़ी भी सर्विस होगी, अब पूरा वीक जो है ना हम इजीली इनको मेंटेन रख सकेंगे, इजीली वॉश कर सकेंगे। इस दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद मैं आया हूँ गाँव से और अभी लाहौर 2-3 दिन के लिए ना अजीब अजीब सा फील होना। ओए खोल दो सिग्नल। फाइनली मेन रोड से मैं आ गया हूँ गली में और पहुँचने वाला हूँ घर। तो इतनी गर्मी में आपने कभी लोकल ट्रांसपोर्ट बसों वगैरह पे ट्रैवल किया तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपकी तरफ क्या हाल है। मैं तो आया हूँ, तकरीबन 5 घंटे लग गए, सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पे था, सिर्फ रोड्स इतने ख़राब हैं उस वजह से इतना सफ़र दुश्वार गुजरता है। अभी भाई फुल अंधेरा हो गया यार, लाहौर में इतनी शदीद वाली गर्मी है ना। गाँव में रात को इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, रात को काफ़ी ज़्यादा सुकून हो जाता था, वहाँ पे ना ठंडी हवा चलती थी, बाहर खुले सेन में बंदा वैसे ही बड़े आराम से सो सकता है। तो
सुबह इंशाल्लाह मंडे हैं और सुबह से एक प्रॉपर जो है ना हमारी ड्राइविंग रूटीन स्टार्ट हो जाएगी और व्लॉग्स भी इंशाल्लाह डेली अपलोड करने की कोशिश करेंगे। गोवा में बहुत ज़्यादा कोशिश कर की मैंने व्लॉगिंग करने की लेकिन नहीं कर पाए, इतनी ज़्यादा मसरूफियात थी ना घर की। खैर कोई बात नहीं, अभी दोबारा से अपनी जो डेली रूटीन है, डेली व्लॉग्स रूटीन, उसको मेनटेन करेंगे और देखेंगे कि इतनी शदीद वाली गर्मी में हमारी ड्यूटी कैसे जाती है। खैर गाड़ी के अंदर तो एसी ऑन होता है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब बाहर निकलना हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी क्योंकि ट्रैफिक। सो भी आज मैंने बहुत जिल्लत भरा जो है ना साढ़े चार घंटे का सफ़र किया है, तो बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ। आते गाड़ियाँ सर्विस वगैरह करवाने चले गए, तो छोटा सा ब्लॉग है, आपने इसको लाइक ज़रूर कर देना है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सुबह की ड्राइविंग रूटीन के ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.